हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कब एक ब्रांड नेम सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर करता है, इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब आप कोई बहुत कॉमन ब्रांड नेम चूज करते हो ना, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। उसका रीज़न बताता हूँ। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई ब्रांड नेम या फिर कोई ऐसा ट्रेड नेम जो डायरेक्टली गुड्स की क्वालिटी या फिर एक डायरेक्टली रिजेम्बलेंस दे रहा है, तो वहाँ पे वो ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। उन ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये सेक्शन है सेक्शन 9(1)(b), इसके अंदर ऐसे ट्रेडमार्क्स को प्रोहिबिटेड करा गया है। बट फिर भी कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जो जाके रजिस्टर्ड होते हैं और जिनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है, आपने कोई कॉमन नेम चूज़ कर लिया, कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है। ये आज तक वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आज तक है ना, आज और तक बहुत कॉमन वर्ड है, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके, पैसा खर्च करके कस्टमर के माइंड में अपनी एक इमेज छोड़ दिए, प्लस इन्होंने एक सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर कर लिया है मार्केट के अंदर। मतलब अगर मैं आज तक आपके सामने वर्ड बोलता हूँ ना, और ये दो वर्ड से आप समझ जाओगे कि मैं टीवी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने इतना पैसा खर्च करा जिससे कस्टमर के माइंड में छप चुका है कि कहीं पे आज तक लिखा हुआ है, उसकी बात हो रही है, मतलब वो टीवी न्यूज़ से कनेक्टेड है। तो ये होता है सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर करना। जब ब्रांड इतना पैसा खर्च कर लेती है, जब वो सेकेंडरी मीनिंग कस्टमर के माइंड में जनरेट कर पाए और बोल पाए कि यस, हमारी ब्रांड एक सेकेंडरी मीनिंग क्रिएट कर चुकी है। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूँ, टाटा, रिलायंस। अब रिलायंस को देखिए, रिलायंस एक कॉमन वर्ड है। रिलायंस का मतलब क्या, भरोसा। बट धीरूभाई अंबानी ने मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके, न्यूज़पेपर ऐड, टीवी एड्स और हाई बजट ऑन एडवर्टाइजमेंट, आज कस्टमर के माइंड में रिलायंस के लिए एक सेकेंडरी मीनिंग डेवलप कर दिया है। जैसे ही ब्रांड हैवी एडवर्टाइजमेंट के बाद सेकेंडरी मीनिंग डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उन कंपनीज को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उसका। बट जी हाँ, बहुत लंबे समय से मार्केटिंग करनी पड़ती है। आई कैन से दैट फ्रॉम डिकेड्स, 10 साल, 20 साल, 30 साल से कंटिन्यूसली ब्रांड्स उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। एक एग्जांपल और देता हूँ, ITC बहुत बड़ी कंपनी है, उनका एक टैगलाइन थी मैजिक मसाला, जो अपने नूडल्स के ऊपर यूज़ करते थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, नेस्ले ने अपने मैगी के ऊपर भी मैजिक मसाला लिखना चालू कर दिया। उससे ITC को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा ट्रेडमार्क है। अल्टीमेटली मैटर कोर्ट के अंदर गया, बट कोर्ट ने कहा कि जो मैजिक मसाला वर्ड है ना, आप इतने लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हो, कि ये बहुत ज़्यादा अलग है और इसका कोई अलग मीनिंग निकल चुका हो। मतलब मैजिक मसाला सुनते ही कस्टमर को ये लगता हो कि ITC की ब्रांड है। नहीं, मैजिक मसाला ना तो रजिस्टर्ड था उस समय और ना ही सेकेंडरी मीनिंग डेवलप हुआ था। इतना पैसा मार्केटिंग में खर्च भी नहीं हुआ था कि ITC ने स्पेशली बहुत पैसा खर्च कर दिया मार्केटिंग के अंदर कि मैजिक मसाला अलग से एक सेकेंडरी मीनिंग जनरेट कर चुका हो कस्टमर के माइंड में। तो कोर्ट ने जो फैसला था वो नेस्ले के फेवर में दिया, मतलब मैगी के फेवर में दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉमन वर्ड्स के एक्सक्लूसिव राइट्स लेने ना, तो वहाँ पर आपको करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं मार्केटिंग के ऊपर। फिर भी उसके बाद रजिस्ट्री चेक करती है क्या सही में सेकेंडरी मीनिंग डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर रजिस्ट्री उसको रिफ्यूज़ करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। जजेस भी देखेंगे कि सेकेंडरी मीनिंग इसका डेवलप हुआ है नहीं हुआ है, क्या आपने इतना पैसा खर्च करा है मार्केटिंग के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर, इन्फ्लुएंस बनाने के अंदर, कि इस ब्रांड नेम का सेकेंडरी मीनिंग डेवलप हो गया हो। अगर उनको लगता है कि सेकेंडरी मीनिंग डेवलप हुआ है, आपने एफर्ट्स करे हैं, गुडविल क्रिएट करी है, तो ही आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे, नहीं तो आपको एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं मिलेंगे। प्लस अगर आपके ट्रेडमार्क का भी ऑब्जेक्शन आता ना सेक्शन 9(1)(b) का, तो उसको क्लियर कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना पड़ता है कि आपने कितना एडवर्टाइजमेंट करा है, ब्रांडिंग करी है, मार्केटिंग करी है, तब जाके वो ऑब्जेक्शन क्लियर होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लस अगर आपको ट्रेडमार्क्स के बारे में और जानना है ना, तो हमारी वेबसाइट sonisvision.in पे जाइए, वहाँ ब्लॉग सेक्शन है। डेली हम वहाँ पे ब्लॉग्स कंटेंट अपलोड करते हैं, बिल्कुल फ्री कंटेंट है, सिर्फ आपको विजिट करना है, कंटेंट रीड कर सकते हैं। हमने बहुत सारे केस लॉ, जजमेंट, बिजनेस के ऊपर लीगल नॉलेज, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करा रखी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से सॉल्व होंगे। एंड अगर आपके कोई डाउट्स मन में है ना, तो मन में मत रखना, नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछो, हम हर कॉमेंट का आंसर करते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।